अब देखिए हरकत में आया है आरटीए विभाग। कनीना हादसे के बाद हरकत में आरटीए विभाग। इधर कालावाली में प्राइवेट स्कूल में बसों की चेकिंग की गई है। आरटीए विभाग ने 8 से 10 बसों के चालान काटे हैं। निजी स्कूल बसों की चेकिंग जारी रहेगी, तो आरटीए विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है। कालावाली में प्राइवेट स्कूल बसों की चेकिंग की गई है और इस दौरान हरकत में आया है आरटीए विभाग। 8 से 10 बसों के चालान यहां पर काटे गए हैं। कालावाली से ये तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं हम। कनीना हादसे के बाद हरकत में आया है आरटीए विभाग। कालावाली में प्राइवेट स्कूल बसों की चेकिंग। आरटीए सिरसा चालान हो गए लगभग, अभी लगे स्कूल बसों के 8-10 चालान हो गए। इससे पहले विभाग क्यों नहीं जागा, घटना के बाद क्यों जागा? पहले भी करते हैं। कौन से स्कूल के किए जी पहले कभी? पहले तो रिकॉर्ड है, अभी यहाँ से बाहर नहीं चलिए रिकॉर्ड में पहले भी कर रहे हैं। टाइम टाइम अनुसार चेकिंग होती जा रही है। सेक्रेटरी आरटीए के निर्देशानुसार आगे कार्रवाई जारी रहेगी। गाइडलाइन ने आगे कार्रवाई जारी रहेगी या 2-3 दिन बाद फिर वही पहले वाला हालात रहेंगे? बिल्कुल जारी रहेगी जी। के साथ कालावली से जगदीश प्रजापति जुड़ गए हैं। जगदीश, देखिए आरटीए विभाग अब हरकत में आ गया है जब सीए कनीना हादसा हुआ है। कितनी बसों के चालान काटे गए हैं और कितने कितने चालान काटे गए हैं? जी साधना, मैं बिल्कुल बता दूं कि आज महेंद्रगढ़ के कनीना के बाद आरटीए विभाग जागा है। सुबह विभाग के इंस्पेक्टर सुहास चंद्र कालावली में अपनी टीम के साथ पहुंचे और देशों में कहा रोड पर उन्होंने नाकाबंदी करके बसों के चलान किए। शहर के माता पूर्णा देवी डी पब्लिक स्कूल की 8 से 10 बसों के चलान हुए हैं। उनमें कागजात की कमी थी, उनके आधार पे उनके जो चलान है वो काटे गए हैं। कहीं ना कहीं विभाग अगर रूटीन की कार्रवाई करता रहे बिना किसी पक्षपात के तो इस तरह की घटनाएं कनीना जैसी ना हो, लेकिन विभाग की ओर से ऐसा कुछ नहीं किया जाता। इसी कारण ये घटनाएं होती रहती है। 18 बसें हैं वो लगी हुई है। कालावली के निजी स्कूलों की बात करें तो बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनमें बिल्कुल खटारा बस है और सुबह सुबह देखा जाए तो खूबाला बाजार में बसों का बुरा हाल होता है। बहुत तेज तेज गति से होती है और खटारा बसें होती हैं। इन बसों को जो खटारा है इनको बिल्कुल विभाग को बंद करना चाहिए। अब इतनी बड़ी घटना के बाद विभाग और सरकार जागी है, कहीं ना कहीं रूटीन की कार्रवाई होती रहे तो इस तरह की घटनाएं ना हो। निजी स्कूल है कहीं ना कहीं बिल्कुल मनमानी करते हैं और जिस तरह कनीना के स्कूल ने छुट्टी वाले दिन स्कूल खोला, वही कालावाली की बात करें तो कालावाली में बहुत से स्कूल खुले थे। जैसे ही महेंद्रगढ़ कनीना की घटना हुई तो उन्होंने दोपहर 12 बजे छुट्टी कर दी। सवाल खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, कहाँ रहते हैं? जब छुट्टी वाले दिन निजी स्कूल खुल जाते हैं तो विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती है। क्या विभाग को पता नहीं लगता है, प्रशासन को पता नहीं लगता है कि स्कूल खुले हुए हैं? इतनी बड़ी घटना के बाद स्कूलों ने छुट्टी कर दी है, क्या अब भी इन स्कूलों पे एक्शन होगा? इस तरह की चर्चाएं लोगों के बीच है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब सरकार में शिक्षा विभाग की ओर से छुट्टियों के आदेश दिए जाते हैं तो सरकारी स्कूलों में आदेशों की पालना होती है। निजी बहुत से निजी स्कूल ऐसे हैं जो बिल्कुल खुलती है। कल भी ऐसा कालावाली में देखा गया था। कालावाली के निवासी कपिल यादव ने कहा था कि हमारे बच्चे भी स्कूल गए, निजी स्कूल खुले थे। आज सुबह भी देखा कि कई स्कूलों के बच्चों के चालान कटे बसों के, लेकिन कई स्कूल बसें हैं वो ड्राइवरों ने छिपा ली। कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे जगह ढूंढी जहां बच्चे स्कूल ट्रेन में थे, लेकिन उन्होंने आरटीए विभाग से छुपने का काम किया। ये रूटीन की कार्रवाई अगर चलती रही तो कहीं ना कहीं सुधार होगा, अन्यथा वही जो कहावत है कि वही पैसा और वही कुल्हाड़ी, फिर यही खटारा बसें चलेंगी और इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी। बिल्कुल शिक्षा विभाग और प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को भी ध्यान रखना चाहिए। जो चालक और कनीनर बसों में हैं उनकी समय समय पर जांच होनी चाहिए कि वो किस प्रकार का नशा करते हैं, वो वाहन चलाने के लायक हैं या नहीं, इस प्रकार की भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अभिभावक अपने छोटे छोटे बच्चों को किस उम्मीद के साथ स्कूल में भेजते हैं कि कल को बड़ा होकर सैनिक बनेगा, प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन इस तरह की घटनाओं से अभिभावकों के मन है वो कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें खतरा है कि कनीना के साथ साथ कहीं और भी ऐसी घटना ना हो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो चालक होते हैं वो कहीं ना कहीं नशा करते हैं। मैं सारे चालकों की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो ऐसे चालक हैं जो सुबह ही शराब का नशा कर लेते हैं
और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है, इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। चालकों के साथ साथ स्कूल प्रबंधन कमेटी है उसमें पूरी पे FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल का प्रिंसिपल और मालिक जिम्मेवार नहीं होता है, पूरी प्रबंधन कमेटी जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि रिजल्ट अच्छा लाने के चक्कर में ये लोग छुट्टी नहीं करते हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने की बात करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं हो जाती है तो एक चालक और प्राचार्य को जो जिम्मेवार ठहराया जाता है, क्यों उस प्रबंधन कमेटी को दरकिनार के लिए? तो पूरी प्रबंधन कमेटी पे जो FIR होनी चाहिए, और ये सवालिया निशान है। जिस प्रकार विपक्ष के लोग हैं मुद्दा उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं न्यायाधीश से जांच होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, इस तरह की जांच होनी चाहिए। जानकारी आपसे लेती रहूंगी और बनी रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।